हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 जो होगी उसके अंदर जो संशोधित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है आप लोगों का दो, किसके लिए? साइंस के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के बता दिया था, मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम जो क्लास 10th के अंदर सिलेबस हटाया गया है विज्ञान का, साइंस का, उसके अंदर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेपर का टाइमिंग वही होगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर 80 मार्क्स का ही होगा, स्कूल से 20 मार्क्स ही जाएंगे। टोटल इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसके अंदर से सबसे पहले बात करें, हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है बायो का पार्ट है। बायो के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है आप लोगों की, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी और इसकी जो एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड चैप्टर है, जो 17 मार्क्स का चैप्टर है टोटल, जिसके अंदर पहला चैप्टर आपका आता है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, मतलब फूड और जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर रिलेटेड चैप्टर है। उसके अंदर ये चार टॉपिक आप लोगों के ऐसे कैसे आ रहे हैं, इससे आगे वाला टॉपिक सारा हटा दिया गया है। ये चार टॉपिक आप लोग अपनी बुक के अंदर नोट कर लें, कौन कौन से हैं, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ये आपकी आरबीएससी की जो बुक है, जो भी आप लोगों ने बुक ले रखी है आरबीएससी की, उस बुक के अंदर से टॉपिक नोट कर लें। तो ये इस तरीके से 5 नंबर के पॉइंट्स हो गए हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास में मानव तंत्र, जो ह्यूमन बॉडी है उससे रिलेटेड, जिसके अंदर आप लोगों के ये 5 पॉइंट आएंगे। पॉइंट बहुत सारे हैं पर आपको ये 5 पॉइंट ही कवर करने हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आपका 5 नंबर का पार्ट तैयार होता है। इसके अलावा आनुवंशिकता, अनुवांशिकता वाले टॉपिक में अगर हम देखें तो इसमें आप लोगों के 3.5 तक के टॉपिक्स हैं, 3.1 से लेके 3.5 तक के। और इसके अलावा प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर है, जिसके अंदर आप लोगों के 6 पॉइंट दे रखे हैं, ये 6 पॉइंट आप लोगों को कवर करने हैं। इस तरीके से आप लोगों का बायो का 17 मार्क्स का पार्ट कवर होता है। देन उसके बाद में आप लोगों के बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, केमिस्ट्री वाला पार्ट आपका 16 मार्क्स का है, जिसके अंदर हम बात करें 16 मार्क्स के अंदर आप लोगों का 5th चैप्टर है, जिसके अंदर 5 पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5। ये ऐसे कैसे आ रहे हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर कोई टॉपिक हटाए गए होंगे वो हम देख लेंगे अभी आगे वाले वीडियोज के अंदर। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन और उत्प्रेरक या फिर यह कहें कैटलिस्ट, तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो ये 7 मार्क्स का भी ऐसे कैसे है, मतलब आप लोगों के दो चैप्टर, पांचवा और छठा चैप्टर, दो चैप्टर हैं जो सबसे हायर मार्क्स के दिख रहे हैं अभी तक। एक 9 नंबर का है और एक 7 नंबर का है। इसके अंदर 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट ऐसी तरीके से आप लोगों के आ रहे हैं। देन उसके बाद हम बात करें तो आप लोगों का 7वां चैप्टर कम्प्लीट हटा दिया गया है, 8वां चैप्टर कम्प्लीट हटा दिया गया है। देन उसके बाद में 3rd चैप्टर आपका फिजिक्स का आता है, 3rd पॉइंट जो आपका आता है फिजिक्स का आता है, जिसके अंदर से लाइट वाला चैप्टर, प्रकाश वाला चैप्टर आप लोगों के पूरा 8 मार्क्स का ऐसे कैसे आ रहा है। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, देखते हैं आगे भी एक और इसका सेक्शन दे रखा है इन्होंने, क्या क्या पॉइंट, अगर किसी चैप्टर में से भी कोई पॉइंट हटाए तो क्या क्या पॉइंट हटाए वो देख लेंगे हम। देन उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हटा दिया गया है। देन उसके बाद में एक चैप्टर आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में से आप लोगों के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 11.1 आ रहा है, 11.11 आ रहा है, 11.12 आ रहा है, मतलब आप लोगों के 3 ही पॉइंट आ रहे हैं इसके अंदर से, बाकी पॉइंट सारे हटा दिए गए हैं कि वर्क क्या होता है, शक्ति क्या होती है और विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, इसमें से भी आप लोगों का न्यूमेरिकल सेक्शन मोस्टली हटा दिया गया है। तो 7 नंबर का ये चैप्टर होता है। इसके अलावा आप लोगों के पास में प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, मतलब इन्वायरमेंट, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के 12 मार्क्स का चैप्टर बनता है टोटल ओवरऑल, जिसके अंदर हम बात करें तो 12वां चैप्टर आपका पूरा ऑल वो पूरा ही आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। आगे देखेंगे हम जो शॉर्ट कुछ पॉइंट्स हटाए गए हैं तो उन पॉइंटों के ऊपर 13 चैप्टर आप लोगों को हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 14 चैप्टर में से सिर्फ 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों के पास में नेक्स्ट आता है जो हमारी अर्थ और अंतरिक्ष, मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड पार्ट है, जिसके अंदर आप लोगों का 15 चैप्टर में से 3 पॉइंट आ रहे हैं, बाकी सारा हटा दिया गया है। 16 आप लोगों का हटा दिया गया है, 17 चैप्टर आप लोगों का हटा दिया गया है, और इसके अलावा 18 चैप्टर कंप्लीट आ रहा है। सारे जितने भी भारतीय रिसर्चर थे या साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, उनके बारे में जितनी भी उनका जीवन परिचय या उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्होंने क्या क्या चीजें फाइंड आउट की थी, डिस्कवर की थी, वो सारी चीजें आप लोगों के ऐसे कैसे आ रही है।
देन इन्वायरमेंट का जो इन्होंने एक पार्ट कवर किया है यहाँ पे, इससे पहले वाला जो पार्ट था वो भी कुछ हद तक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, और ये सेकंड जो इन्वायरमेंट का पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी वाला जो 19 चैप्टर है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर आ रहा है, इसमें से कुछ पॉइंट हटाए गए हैं बाकी पॉइंट नहीं हटाए गए हैं, तो इस तरीके से ये 8 नंबर का और ये टोटल 80 मार्क्स का चैप्टर कवर होता है यहाँ पे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं किस चैप्टर में से, किसी पर्टिकुलर खास टॉपिक चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है या ये कहें कि मानव का जो बॉडी है उसकी और उसकी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में से मोस्टली ये दो टॉपिक हटाए गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये टॉपिक्स ये सारे कवर करने हैं आप लोगों को 7 चैप्टर के, एक बार देख लेना ये टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई है कि ये सील्स और ये चीज़ें हैं कहाँ से ये हटाई गई हैं या नहीं हटाई गई हैं। अगर देखते हैं यहाँ पे इस प्लान को तो यहाँ से पता चलता है चीज़ें हटाई गई हैं, तो आप लोग ये पॉइंट्स देख लें। ये पीडीएफ में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लें ये सारे पॉइंट्स, एक बार टिक मार्क कर लेंगे तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होगा कि ये पॉइंट हटाए गए हैं। या तो आप लोग ये देख लें कि ये पॉइंट हटाए गए हैं, और या फिर पीछे वाले जो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि ये पॉइंट आपके आ रहे हैं वो कवर करें, दोनों में से कोई भी एक चीज आप लोग नोटिस कर लें, चाहे ये लास्ट वाले पॉइंट्स कि ये चीज हटाई गई है या फिर पहले वाले पॉइंट्स जो ये पॉइंट आ रहे हैं। तो ज्यादा कोर्स नहीं हटाया गया है, अगर इस कोर्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हमें लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 30% कोर्स है, हो सकता है अभी ये संशोधित पाठ्यक्रम ही है, सिलेबस है, इससे ज़्यादा भी कुछ पॉइंट्स और हटाए जा सकते हैं। अभी इसके बारे में कोई पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो अभी इसके ऊपर जितना हमें दिया गया है उसी को प्रिपेयर करें। तो ये स्टूडेंट इसी तरीके से आप लोगों का साइंस में क्या क्या चीज़ हटाई गई है, डिलीट की गई है, मैंने आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, अगर उसके ऊपर एज सून पॉसिबल हो पाएगा कि तो हम वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज आप लोगों के कमेंट्स में जवाब दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।